ओम शांति। 5 जुलाई 2024, साकार मुरली। आज की मुरली के सार में मानव को देव बनाने वाले शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद से ही बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। प्रश्न, जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, नंबर एक, यदि एक बाप से प्यार है तो बाप की नज़र उन्हें निहाल कर देगी। नंबर दो, वे पूरा नष्टो मोहा होंगे। नंबर तीन, जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया, वो और किसी के प्यार में फंस नहीं सकते। नंबर चार, उनकी बुद्धि झूठ खंड के झूठे मनुष्यों से टूट जाती है। बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है। सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। धारणा के लिए मुख्या सार, नंबर एक, सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है, आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, याद की यात्रा में कभी मूंझना नहीं है। नंबर दो, पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है, बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाप का प्यार अविनाशी है, ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है, मोहजीत बनना है। वरदान, महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। विस्तार, ये महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती है। कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उसे परिवर्तन कर लेंगे। स्लोगन, सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, ओम शांति।